नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, मैं आज आपके सामने इनालसा कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर जो है लेकर के आया हूं, जिसमें फ्रेंड्स शिकायत यह है कि जब भी इसको ग्लास रख के चलाते हैं हम, कभी कभी तो ये चल जाता है और कभी कभी ये बहुत तेज़ आवाज़ करने लग जाता है। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ तो देख सकते हो फ्रेंड किस तरीके की आवाज़ है। इसका कारण है फ्रेंड्स, ये वाली जो खिड़की देख रहे हो आप, ये कट चुकी है और ये भी जो कट चुकी है ये आपस में मैच नहीं कर रही है, ऊपर रगड़ के चल रही, तो आवाज़ आने का कारण ये है फ्रेंड्स इसमें। तो चलिए फ्रेंड इसको बदलते हैं। तो फ्रेंड इसको हमें बदलना है, इसको बदलने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रबड़ है, ढक रखा है नट को। इस रबड़ को हम निकाल देंगे, ये मैंने निकाल दिया। तो फ्रेंड देख सकते हो एक कट वाला जो है नट पीला सा इसके अंदर है। तो इसको फ्रेंड्स ये कट वाला जो पेचकस आप देख रहे हो, इस तरीके का हमारे पास पेचकस होना चाहिए। तो इसको फ्रेंड्स क्या है, हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे, यानी इस तरफ घुमाएंगे तो ये हमारा टाइट होगा और जो सीधा घुमाएंगे तो ये हमारा जो है खुलेगा। तो मैं सीधा देखिए घुमा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा जो आसानी से खुल गया और ये मेरी कपलिंग जो है बाहर आ चुकी है। तो खोलने का तरीका फ्रेंड्स यही है, ये उल्टी चूड़ी का होता है, इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। तो इसको खोलने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाना है जो मैंने उसमें बताया था। इसको जो है देख सकते हो आप, इस तरीके से उल्टा घुमाना, जो नॉर्मल नट जिस तरफ कसते हैं वो इधर घूमेगा। तो ये भी मेरा आराम से निकल गया। तो आइए दोनों में नया लगा देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हो मैंने जो है इसकी फिरकी ले ली है, जो ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर की फिरकी ये 6 पर की होती है और जो मिक्सर की होती है उसमें सिर्फ 4 पर होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका हमें ध्यान रखना है, हमें जो निकलेगी वही लेना है। तो आइए मैं इसे लगा देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें फिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स सापट पे क्या है, जो 1 बूंद से 2 बूंद तेल डाल लेना है और ये अंदर की तरफ से मैंने डाल दिया। और जितनी वार्सल की फ्रेंड्स, जितनी सापट हमारी बाहर निकली रहेगी उतने वार्सल हम यहाँ पर डाल देंगे। हल्का सा एक वार्सल की जगह हमें रख लेनी है, ये नहीं लगेगा। ये देखिए इसको लगाने का तरीका फ्रेंड्स ये है, ये इस तरीके से रख करके हमें जो है उल्टी दिशा में घुमाना है, ये देखिए इस तरफ से ऐसे। तो ये मेरा जो है अच्छी तरीके से लग चुका है, ये इसकी चाबी है फ्रेंड, इसे हम टाइट कर देंगे। तो ये मेरा बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करने लग गया है, देख सकते हैं। तो आइए हम मशीन की बदलते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर का भी जो है फिरकी ले ली है। तो फिर की फ्रेंड्स बिल्कुल हमारी मैचिंग की होनी चाहिए, ये देख सकते हैं बिल्कुल हमारी मैचिंग की है। तो इसके दांते फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सही हैं। और ये वाला जो देख सकते हो फ्रेंड ज़्यादातर कटा हुआ, तो यही कारण था हमारा आवाज़ आने का। तो फ्रेंड आइए इसे लगा लेते हैं, लगाने में इसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमें सीधा पकड़ के डाल देना है, और जो पुराने वाला हमने खोला था उसके इसके अंदर से हमारे 2 वार्सल निकले थे ये, तो हमने उसी में डाल दिया। और ये जो कट वाला हिस्सा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें रखना ऊपर, इसको डाल करके ये उसी पेचकस की मदद से फ्रेंड्स हम इसको भी जो है उल्टा घुमाएंगे, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो। इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर देना फ्रेंड, मेरा ये अच्छी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। आइए मैं इसे चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने बटन दबाया देख सकते हैं चलने लग गई है, कल तो ये पहले भी रही थी। अब जो हमें जो ग्लास लगा करके दिखाना है अच्छी तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसमें कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही है। फ्रेंड देख सकते हो मैंने कितनी आसानी से ये दोनों जो फ्रिकियाँ बदल दी, ये ग्लास की है और ये हमारी मशीन की है। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादा कीमत की नहीं आती, 5 रुपये लगभग ये आती है और ये 30 रुपये लगभग मार्केट से ये आती है, आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो मिक्सर ग्राइंडर जो है सही कर सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।